आज तारीख कितना है? 19 मार्च 2024, ठीक है ना। आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं इस बहुत महत्वपूर्ण मोटिवेशनल कोट के साथ, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का कोट मोटिवेशनल कोट कहता है, दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से। कहां से? जिंदगी से। किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है अगर दिल में आग हो और हौसले बुलंद हो। अगर दिल में आग हो और हौसले बुलंद हो तो अखबार बेचने वाला भी कमाल कर सकता है, और हम लोग तो अखबार तक के नहीं बेचते, है ना। उससे अच्छा ही कंडीशन में तो क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दो चीज, दिल में आग यानी करने की जज्बा, हौसला बुलंद हो तो अखबार बेचने वाले भी क्या बन सकता है, कमाल कर सकता है। चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में बच्चे कहता है, लोकसभा चुनाव 2024 में कितने फेजेज में इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो इलेक्शन 2024 में जो फेज है, ठीक है ना, ये 7 फेजों में होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 7 फेज में 2024 का लोकसभा का इलेक्शन करवाया जाएगा, जिसमें 3 राज्य में ऐसे होंगे जिसमें 7 फेज होगा, एक उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। और इसके अलावा जितने भी राज्य, या तो 6 फेज, 5 फेज, 4 फेज, 3 फेज, और बहुत से राज्य में तो एक ही फेज यानी एक ही दिन में पूरा खत्म हो जा रहा है। चलिए ये 18वीं लोकसभा है बेटे, याद रखिएगा, कैवीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा, 17 लोकसभा कंप्लीट कर लिया गया, ये 18वीं लोकसभा है। 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा किया गया। तो चुनाव आयोग आर्टिकल्स कितना में इसकी चर्चा है, 324 में, ठीक है, 324 से 329, और भाग कितना में, तो भाग 15 में, ओके, याद रखेंगे। कहता है कि लोकसभा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और इसका इस प्रकार से लोगोस होता है, ठीक है ना। लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन 7 फेज में किया जाएगा, कितने फेजों में, 7 फेज में। कहता है लोकसभा 2024 में 543 सीटों पर चुनाव होगा, कितने सीटों पर, 543 सीटों पर, इतना मैक्सिमम सीटों की संख्या 545 है, जिसमें 543 पर इलेक्शन होंगे। 2 रिजर्व है, जम्मू एंड कश्मीर, जो पीओके के लिए और एलएसी के लिए। आगे देखा जाए, लोकसभा चुनाव का नतीजा, नतीजा मतलब रिजल्ट, द लोकसभा इलेक्शन 2024 रिजल्ट 4 जून 2024 को होगा, कितना तारीख होगा, 4 जून 2024। कहता है 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैग लाइन, चुनाव का पर्व देश का गर्व, उसका टैग लाइन क्या इस बार का बना है, चुनाव का पर्व देश का गर्व, है ना। यानी इसी कोर्ट के साथ, इसी कोर्ट के साथ ये आगे चल रहा है, ठीक है ना, चुनाव का पर्व देश का गर्व, ठीक है। चलिए इस प्रकार कहता है, रजिस्टर्ड मतदाता, कितना मतदाता वोट देंगे, जो रजिस्टर्ड है, जिनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, यानी वोटर आईडी कार्ड बना चुका है, है ना। तो हमारे यहाँ 135 करोड़ की मतदाताओं में, मतलब पूरा जनसंख्या में वोट देने वाले हैं 96,88,21,926, इतना को वोटर आईडी कार्ड है। जैसे कुछ हमारे यहाँ जो जनसंख्या, पूरा जनसंख्या 135 करोड़ है, जिसमें से 135 में तो बच्चे भी है, है ना, जिनकी अडल्ट नहीं है, 18 वर्ष से उनकी टीन एज में है, कम एज में है। तो इस प्रकार से ये 96,88,21,296 मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 49,72,31,994 और महिला मतदाता की संख्या 47,15,41,888, इतना महिला मतदाता है ना, फीमेल्स वोटर्स। भारत की जनगणना जनसंख्या में मतदाता का प्रतिशत 66.76 है, यानी जो बच गया वो बच्चे हैं, छोटे हैं, ठीक है। वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात कितना है, 948 है, यानी मतदाता में 948 है। आप जैसा कि देख सकते हैं 94 है, तो 2 करोड़ यहाँ लगभग कम आ रहा है ना,
कम आ रहा ना तो कुछ तो घट जाएगा, तो यही आपको घट गया 52 को घट गया। लेडीज और पुरुष के तुलना में परसेंटेज चेक किया जाए प्रत्येक 1000 पर तो 52 को घट जा रहा है, ठीक है। तो लगभग 2 करोड़ यहाँ पे 2 करोड़ से ज्यादा ही घट रहा है, ठीक है ना। लेडीज ज्यादा कम है और जेंट्स क्या है ज्यादा है। मतदाता सूची की बात हो रही है, सिर्फ कहता है वर्तमान में 100+ मतदाताओं की संख्या इतना है, कहता है 100+ मतलब जो 100 साल से वो एज ऊपर हो गया है, ये लोग लगभग 2,38,971 लोग अभी हैं, जो 791 जो अभी है वो क्या है, इनकी संख्या इनकी जो एज है वो 100 से पार कर गया। कहता है लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। 55 लाख, कितना 55 लाख ईवीएम लगाया जाएगा, कितना ईवीएम लगाया जाएगा 55 लाख, जो अपने गांव में भी आएगा ईवीएम वोटिंग मशीन 55 लाख लगाया जाएगा। चुनाव आयोग के द्वारा आजादी से अब तक आम चुनाव संपन्न 17 बार कराए चुके हैं, ये 18वीं बार है, ठीक है ना। जनरल के लिए आरक्षित सीट, इसमें देखे थे ना, लोकसभा में आरक्षित सीट होती है, विधानसभा में आरक्षित सीट होती है, लेकिन राज्यसभा में आरक्षित सीट नहीं होती है, इसकी भी हमने पहले पढ़ चुके। तो 412 वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है बच्चे, राजीव कुमार, है ना। अभी सबसे ज्यादा बड़ा काम ये राजीव कुमार कर रहे हैं, ठीक है। अभी सब यही है, प्रधानमंत्री सब चीज यही है, जो भी पद कहो सब यही है, ये जो चाहेंगे अभी वही होगा। सब जगह आचार संहिता जब लागू हो जाता है तो ये सर्वोपरि बन जाते हैं। डीएम को ऑर्डर कौन देंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं, राज्य में तो मुख्यमंत्री, अब ये ऑर्डर वगैरह देंगे, समझ में आया। तो राजीव कुमार और वर्तमान में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, कुछ दिन पहले ये करंट अफेयर में था, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा कितना है, बहुमत का आंकड़ा 272 है। बहुमत का आंकड़ा मतलब हमारे पास कुल सीटों की संख्या 543 है बच्चे, कितना है 543/2 + 1 करोगे तो आ जाएगा 272, क्या आएगा 272। तो आधा से इतना जो ले आएगा जिस पार्टी का दल का उसका प्रधानमंत्री बनेगा। तो हमारे यहाँ बहुमत का आंकड़ा कितना है 272 बच्चे, हल्ला मत करो। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया गया है, ठीक है। तो कृष्णा कुठार, रितिका चोपड़ा ए और बी दोनों, रविश कुमार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा, यानी इस प्रकार से सी ऑप्शन इज राइट, यानी दोनों होंगे, ठीक है। तो एक मिनट, बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है, तो चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला है ग्रीष्मा कुठार को और रितिका चोपड़ा को। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। कहता है देखिए ये है स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से इस वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन और चमेली देवी पुरस्कार जैन पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा किस फील्ड में ये पुरस्कार मिलता है, तो ये पुरस्कार मिलता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। ग्रीष्मा कुठार एक स्वतंत्र मल्टीमीडिया पत्रकार जो मणिपुर जैसे संघर्ष ग्रस्त क्षेत्रों से गहन शोध किया और रिपोर्टिंग करी, ठीक है ना। मणिपुर में लगातार आगजनी हो रहा था, उसके बावजूद भी यहाँ पे ऐसा काम किए। रितिका चोपड़ा राष्ट्रीय ब्यूरो सरकारी के यानी सरकारी है के प्रमुख और द इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली के राष्ट्रीय शिक्षा संपादक भी है, ठीक है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 से दिया जा रहा है, 2022 में किन्हें मिला था, धान्या राजेंद्रन को, और चमेली देवी पुरस्कार 2021 में मिला था आरेफा जौहरी को मिला था, ठीक है। आगे देखा जाए चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये है चमेली देवी, इन्हीं के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या मिलता है, पुरस्कार दिया जाता है।
चमेली देवी जैन पुरस्कार के बारे में जानिए। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। चमेली देवी जैन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1980 के दशक में। बस की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन का यह पुरस्कार दिया जाता है। यह भारतीय महिला मीडिया कर्मियों को दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। मतलब यह एक इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। ठीक है बच्चे, चमेली देवी जैन एक स्वतंत्र सेनानी और सामुदायिक सुधारक थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कैद, इसके मतलब आंदोलन के दौरान कितने बार जेल में भी गए थे। कथा 1781 में नीरजा चौधरी ने पहला पुरस्कार जीता था। चमेली देवी जैन पुरस्कार सबसे पहले किन्हें मिला था? 1981 में नीरजा चौधरी को मिला था। किनको मिला? नीरजा चौधरी को मिला था। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ पुरस्कार है, उसके बारे में देखिए। कहता इरास्मस पुरस्कार 2024 में अमिताभ घोष को मिला था। इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला। प्रिंतजर वास्तुकला पुरस्कार रिकेन यामा मोटो को मिला। मिस वर्ल्ड 2024 चेक गणराज्य की महिला क्रिस्टीना पिज़कोवा को मिला। पिज़कोवा ऑस्कर अवार्ड 2024 में दिया गया ओपेनहाइमर को। सारा याद आ रहा है ना, है ना? ऐसे ही आपको डेली डेली करने से याद हो जाएगा, कुछ मुश्किल ज्यादा नहीं पड़ेगा बच्चे। और क्या है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार राम भद्राचार्य एवं गुलजार को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार राम भद्राचार्य बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इस बार गुलजार को भी दिया गया है। बॉब जोन्स पुरस्कार टाइगर वुड्स यूएस के गोल्फ खिलाड़ी को दिया गया। यूनाइटेड स्टेट के गेट लगा बेटा, गोल्फ खिलाड़ी को दिया गया। महाराष्ट्र भुवन पुरस्कार डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया। डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया। आज का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवनीत कुमार सहगल, ज्ञानेश कुमार, सुखवीर संधु। प्रसार भारती, लाइट आ रहा है? ठीक, इना जल रहा है तो आ रहा होगा। हाँ सर, अच्छा रहा है। आई वाला चमक रहा, लेकिन फिर भी तो क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन देखना समझ रहा है, चश्मा लगाओ ना। कहते प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवनीत कुमार सहगल, ज्ञानेश कुमार, सुखवीर संधु, या फिर देखी गया ना, सब सुखवीर आ गया ना, है ना। तो आपको क्या है ये तो पता चल गया कि जो नहीं होगा, है ना, संजय कुमार सिंह। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नवनीत कुमार सहगल। नवनीत कुमार बच्चे सहगल, कौन? नवनीत कुमार सहगल। कहते हैं पूर्व आईएएस अधिकारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। कहता है अधिकारी नवनीत कुमार सहगल ने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। वह ए सूर्य प्रकाश का स्थान ले रहे हैं। किसको? सूर्य प्रकाश कोई लाइट किरण नहीं है, सनलाइट है ना, नाम है। सूर्य प्रकाश का स्थान ले रहे हैं। पहले सूर्य प्रकाश थे, अब ये किसके? प्रसार भारती के अध्यक्ष। कहता है जिन्होंने 2020 में अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल है ना पूरा किया। कहता है प्रसार भारती दूरदर्शन, प्रसार भारती यानी दूरदर्शन टीवी चैनल, प्रसार भारती का नाम सुना है? अब तो कोई देखो नहीं करता है, बंद कर देना चाहिए। प्रसार भारती दूरदर्शन और आकाशवाणी के संचालन के देखरेख करता है। प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997। ये इम्पोर्टेंट है, नोट करें। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 1997 में। प्रसार भारती की स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय बच्चे कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है बच्चे? नई दिल्ली में है, पुरानी दिल्ली में है ना। कहता है हाल ही में की गई नियुक्तियां देखिए क्या क्या। कहता है राहुल सिंह को CBSE के अध्यक्ष बनाया गया। फिर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधु को चुनाव आयुक्त बनाया गया, मुख्य चुनाव नहीं, सिर्फ चुनाव आयुक्त। संजय कुमार सिंह को NHPC लिमिटेड के नए निर्देशक के रूप में इन्हें कार्यभार दिया गया है ना। किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। AS राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त बनाया गया। देवेंद्र झाझरिया को भारत के पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनाया गया। आज का ये क्वेश्चन नंबर
बच्चे फोर देखते हैं, कहता है गुंडबुला गुट्टा किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दिया गया? तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, दो को राजस्थान लिखा गया बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या? तेलंगाना, याद रखेंगे है ना। देखिए तेलंगाना में कुंडबुला गुट्टा को आधिकारिक तौर पर तेलंगाना में एकमात्र भू विरासत स्थल के अभी तेलंगाना में एक को मिला भू विरासत स्थल। वैज्ञानिक भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI, याद रखेंगे GSI का फुल फॉर्म होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कुंडबुला गुट्टा तेलंगाना के कहता है जयशंकर भूपाल पल्ले जिले में एक जगह है जो पूरा पाषाणिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है। पूरा पाषाण काल का ये मंदिर है, वहां पे चित्र है, ठीक है। इसको क्वेश्चन चेंज कीजिएगा, इसको थ्री का नहीं बन रहा, इसको टू का चाहिए। कहता है कुंडबुला गुट्टा एक मोटे दाने वाले बलुआ पत्थर की पहाड़ी है। किसका? बलुआ पत्थर, मोटे दाने वाले बलुआ पत्थर की पहाड़ी जो हिमालय से भी क्या है, पुराना है, हिमालय से भी पुराना है। यहीं पर पांडवों ने एक निश्चय अवधि के लिए निर्वासन में अपना जीवन बिताया था। पांडव यहीं आकर के रुके थे, कहां पे? गुट्टाबुला में। अब आज का ये भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण इसको क्या बोलेंगे? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत की एक वैज्ञानिक एजेंसी है। इसकी स्थापना याद करेंगे 1891 में होगा, ठीक है। खान मंत्रालय के तहत भारत सरकार के एक संगठन के रूप में किया गया था। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी बच्चे? 1851। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल कलकत्ता में। लिखिए शॉर्ट में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बच्चे, डन। आज का क्वेश्चन देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आवेदन करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका ऑप्शन है CAA 2023, CAA 2024, CAA 2022 या CAA 2019। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे 2019, CAA 2019। याद रखिएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA का फुल फॉर्म। इस प्रकार से एक एप्स जारी किया गया था, ठीक है ना। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत आवेदन देने के लिए मोबाइल ऐप CAA 2029 है ना 2019 लॉन्च किया गया। CAA का फुल फॉर्म याद रखेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आइए देखिए CAA क्या है। कहता है केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो जाएगी। याद रखेंगे ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना है। CAA कब लागू की गई? 11 मार्च 2024 को। CAA कब लागू किया गया? 11 मार्च 2024 को, ये आपको याद रखनी है। कहते हैं इसके साथ ही कानून देश भर में लागू हो जाएगा। कितना तारीख से? 11 मार्च 2024। कहते हैं CAA को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून बोला जाता है, नागरिकता संशोधन कानून, ठीक है।
क्या है नागरिकता संशोधन कानून, उसके तहत देखिए कहता है भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव किए गए। 1916 में नागरिकता संशोधन विधेयक है ना CAB संसद में पेश किया गया था, ठीक है। इसके अलावा पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल रहना जरूरी था, 11 साल रहना जरूरी था, लेकिन अब इसके लिए ये संशोधित करके घटा करके 6 साल कर दिया है ना। तो याद रखेंगे बच्चे 6 साल। देखिए और इसमें क्या है, 31 दिसंबर, ये डेडलाइन याद रखिएगा है ना, ये टाइमलाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि CA कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से कोई भी धार्मिक आधार पर अगर उनको पीड़ित किया जा रहा है उस देश में, जैसे कौन लोग धार्मिक आधार पे, हिंदू हो, वहाँ के सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, इसलिए मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया है। इन तीनों देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर ब्रिटेन से आएंगे तो ऐसे लोगों को नागरिकता यहाँ के नहीं मिलेगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत के नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में कुछ प्रावधान करता है कि संसद नागरिकता के ऊपर कानून बनाएगी। कहता है झरनी युवा पोर्टल झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, संचार साथी पोर्टल दूर संचार विभाग द्वारा, मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा किया गया। इसके अलावा देखा जाए बोहरा ऐप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, हिम डेटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, स्टॉप टोबैगो ऐप ये जारी किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। आज का बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों को मुफ्त बाजरा बीज वितरण किया जा रहा है, बाजरा मुफ्त बाजरा, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्यारे साथियों हरियाणा, ओ सॉरी राजस्थान, टिक लगाए राजस्थान बोलते हैं हरियाणा। इस प्रकार से बाजरा होती है, तो राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए बाजरा और मोटे अनाज का मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया है, उद्देश्य राज्य में बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है। कहता है कि देश में कुल बाजरा उत्पादन का राजस्थान का हिस्सेदारी है वो 26% है। राजस्थान सरकार ने 2023-2024 में राजस्थान बाजरा प्रोत्साहन मिशन शुरू किया था 2022-23 में, ओके। राजस्थान का करंट अफेयर देखिए, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा VBI है, नोट कर लेंगे, राजस्थान का नए मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन बने हैं, BJP के भजनलाल शर्मा बने हैं। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पाली सौर ऊर्जा परियोजना छत्तरगढ़ राजस्थान में किया गया। लौह अयस्क के विशाल भंडार राजस्थान के करौली जिले में मिले हैं बच्चे, है ना। प्रमुख क्रिकेटर स्टेडियम के बारे में आज जान जाइए, ठीक है। इस प्रकार से क्रिकेट स्टेडियम है, तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, और मथैया अन्ना मल्लई चिदम्बरम स्टेडियम है चेन्नई तमिलनाडु, हिडन गार्डन कोलकाता पश्चिम बंगाल, है ना। टोटल स्टेडियम आप लोग नोट कर लीजिएगा एक जगह और इसको रखिएगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा अहमदाबाद, पहले ये मोटेरा अहमदाबाद के नाम से जाना था, अब ये नरेंद्र मोदी। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना, MCA इंटरनेशनल स्टेडियम ये पुणे महाराष्ट्र में, एम चन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटका में। आज का ये क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे, किस देश के ड्रैगन फायर लॉन्च किया गया, एक लॉन्च किया गया है ड्रैगन फायर, है ना। तो ड्रैगन फायर किसने लॉन्च किया, अमेरिका के द्वारा, जापान के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा या फिर इंडोनेशिया के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है ड्रैगन फायर, ठीक है ना। तो ब्रिटेन ने अपने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, है ना, को सफल परीक्षण किया है ड्रैगन फायर को। ड्रैगन फायर दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को रोकने में सक्षम है, यानी मिसाइल को भी मार गिराने में यह सक्षम होगा। कहता है ड्रैगन फायर LDEW 1 किलोमीटर की दूरी तक, ठीक है ना, एक सिक्के के जितना छोटा लक्ष्य को भेज सकता है, मतलब एक छोटा सा सिक्का रहेगा, कॉइन रहेगा, इसके लक्ष्य को भी भेज सकता है। इस प्रकार इजराइल के पास आयरन बीम लेजर आधारित इंटर स्पेस सिस्टम भी है, किसके पास, इजराइल के पास, इजराइल की राजधानी जेरूसलम।
रक्षा उपकरण में उपकरण किस देश के पास विकसित क्या है ये देखिए, कहता है हेलिना भारत में विकसित किया गया टैंक रोधी मिसाइल है, यानी इस मिसाइल पर मतलब टैंक को भी ये रोध कर सकता है। चिनूक अमेरिका के अमेरिकी कंपनी बोइंग हेलीकॉप्टर बनाती है चिनूक। बराक एक ये DRDO बाय इजराइल के सरफेस टू एयर मिसाइल है। INS बेला फ्रांस का ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। आज का ये क्वेश्चन नंबर एक। पी वी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किन्हें दिया गया है ना बेटा, गेट लगा तो। पी.वी. नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है ना, रतन टाटा जी को, नरेंद्र मोदी को, डॉक्टर अदिति सेन को या शशि थरूर को। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रतन टाटा जी को मिला है पी.वी. नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार। पी.वी. नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार इन्हें दिया गया। आइए देखते हैं आगे। टाटा कथा टाटा संस के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को प्रतिष्ठित पी.वी. नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया और किसने दिया गया है तो उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए है ना, भारत में जगह जगह ये बहुत ज्यादा दान देते रहते हैं, इन्हीं के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया ठीक है। पी.वी. नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार के नाम से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर इनको रखा गया है ना। पी.वी. नरसिम्हा राव 2024 में भारत रत्न दिया गया था। आप बिल्कुल याद रखेंगे बच्चे कि पी.वी. नरसिम्हा राव को 2024 में भारत रत्न दिया गया। रतन टाटा को पद्म विभूषण पद्म भूषण से भी प्रदान किया गया है। अब आप जानिए पी.वी. नरसिम्हा राव के बारे में। पी.वी. नरसिम्हा राव के बारे में अब आगे का डिटेल्स चर्चा देखिए। कहता इनका जन्म 8 जून 1921 को लक्ष्मणपल्ली तेलंगाना में हुआ था। इनका निधन 2004 में हुआ था, 23 दिसंबर 2004 में। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव यानी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे जो 1991 से लेकर के 1996 तक बने थे। 1991 से 1996 तक बने। कहते हैं भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जो 1971 से 1973 तक इनका कार्यकाल था जब ये आंध्र प्रदेश के प्रधान मुख्यमंत्री थे तब, और भारत के ये 9वीं प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कहता है नौसेना भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, नौसेना भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, दिल्ली मुंबई बंगलुरु चेन्नई। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दिल्ली में किया गया बच्चे नौसेना भवन का उद्घाटन। आइए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के छावनी में नौसेना के एक नए हेडक्वार्टर जिसको नौसेना भवन उद्घाटन किया। यह इमारत मॉडर्न फैसिलिटीज एवं एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी यहाँ सारा सुख सुविधा यहाँ पे मिलने वाला है। नौसेना ने अपना पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थापित किया था। इससे पहले नौसेना को 13 अलग अलग जगहों से ऑपरेट किया जाता था। कहता इस इमारत में थ्री लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ था ठीक है। हाल ही में स्थापित किए गए भवन, आइए देखिए चोल भवन नेवल वॉर कॉलेज गोवा। बच्चे हल्ला मत करो, टाइट बैठो। नेवल फोर कॉलेज गोवा, पटसन भवन कोलकाता, कौशल भवन नई दिल्ली में बनाया गया है। कहता है विदेश भवन मुंबई कहाँ पे, मुंबई। उड़ान भवन सफदरजंग हवाई अड्डा दिल्ली आराम ठीक है ना। इसके अलावा GST भवन अगरतला त्रिपुरा में और जनगणना भवन नई दिल्ली में बनाया गया है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। कहता है जम्मू कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड कास्ट, आरक्षण बढ़ाकर कितना कर दिया गया, ओबीसी को आरक्षण बढ़ाया गया ये कितना किया गया सिर्फ जम्मू कश्मीर में, 8% 10% 12% या 15%। इसका राइट आंसर आ जाएगा 8% कर दिया गया है। कहता है जम्मू कश्मीर के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी अर्थात अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लास, के आरक्षण बढ़ा करके कर दिया गया 8% ठीक है। कहता है 15 नई जातियों के साथ ओबीसी के पक्ष में आरक्षण 8% तक मंजूरी मिल गया है।
प्रदेश में प्रशासन के संसद द्वारा जम्मू कश्मीर में लागू अनुसूचित जाति जनजाति के जोड़ी गई नई जनजाति 10% आरक्षण की मंजूरी दी गई, यानी जनजातियों के लिए आदर कहता है। चार नई जनजाति क्या क्या जोड़े गए, तो एक है ना कौन सा पहाड़ी जातीय समूह पादरी कोली और गद्दा ब्राह्मण शामिल है, ये सब जनजाति है जम्मू कश्मीर के। ठीक है, तो आज का हमने 10 क्वेश्चन कम्प्लीट कर लिया। अगले दिन हम फिर से आएंगे एक नए क्वेश्चन के साथ।